हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सैटेलाइट का एनालिसिस और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। काफ़ी अच्छी मार्किंग्स है सैंड में। चलिए आपको शुरू से एज यूजुअल फिंगर्स से शुरू करते हुए आगे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ईजिली इनकी फिंगर्स की लेंथ और थिकनेस कैसी है। यहाँ से बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है इनके हाथ में जो अपोलो फिंगर है ये काफ़ी लंबी है और लगभग मध्यमा उंगली तक पहुंच रही है। तो यहाँ से ये जज करना बहुत ही आसान है कि जो इनकी मेन क्वालिटी होगी वो अपोलियन होगी, यानी सूर्य जो है इनको काफ़ी प्रभावित करेगा। आर्टिस्टिक हैंड है ये, और अगर बाकी फिंगर्स को भी आप देखें तो काफ़ी थिक हैं और लंबी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मरकरी की फिंगर काफ़ी लंबी है और यहाँ तक इसके फर्स्ट फैलेंस तक पहुँच रही है अपोलो के, और सीधी उंगलियाँ हैं, काफ़ी ही थिकनेस है इनमें, तो काफ़ी स्टैमिना रहेगा इनके अंदर और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एनर्जी है इनके अंदर। नेचर जो है इनकी बहुत फ्रेंडली है वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। इनकी सारी फिंगर्स के ऊपर खड़ी लाइनें हैं, या आप इजीली देख सकते हैं कुछ इस तरह की खड़ी लाइनें हैं सारी फिंगर्स के ऊपर और सारे फैलेंस के ऊपर। तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है इनकी, और इसके अलावा इनकी जो पर्सनैलिटी होगी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि हैंड की जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। चलिए एक बार हैंड की बनावट देखते हैं। काफ़ी उभरा हुआ है इनका वीनस का माउंट और स्क्वायरिश हैंड है और काफ़ी सारे ऑफशूट्स जा रहे हैं ऊपर की तरफ, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए वन बाय वन माउंट्स को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा काफ़ी अच्छा क्रॉस का चिन्ह बन रहा है इनके बृहस्पति के ऊपर और स्क्वेयर का भी एक निशान बन रहा है, तो प्रोटेक्टिव है, यानी जो इनकी रिलीजियस थॉट्स होंगी उनको प्रोटेक्ट करेगा यह जो चिन्ह बन रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर एक स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है और एक क्रॉस का चिन्ह यहां पे इनके बन रहा है, दोनों के दोनों शुभ चिन्ह हैं। तो यह प्रोटेक्शन देगा इनके रिलीजन को, इनकी थॉट्स को। अगर कोई इनको मिसगाइड करना भी चाहे तो कभी भी मिसगाइड नहीं कर पाएगा। और जो इनके हाथ पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है तो वो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भरेगा और लीडरशिप के साथ साथ यह इनकी मैट्रिमोनियल लाइफ को भी काफी अच्छा करेगा। आगे बढ़ते हैं इनके बाकी माउंट्स की तरफ, देखते हैं बाकी के माउंट्स में क्या क्या नई मार्किंग्स दिखाई देती हैं, कैसे चिन्ह हैं इनके हाथ पे। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं बाकी के सारे माउंट्स काफी अच्छे हैं। मर्करी माउंट जो नॉर्मली लोगों का बहुत डाउन होता है इनके हाथ में काफी डेवलप्ड है। तो यहां पर बताना चाहूंगा इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट बिजनेस में या कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि काफी सीधी लाइंस मुझे दिखाई दे रही हैं मरकरी के ऊपर, जिनको मैं बहुत शुभ मानता हूं। और यह जो लाइंस हैं यह एक तरह से कैपेबिलिटी शो करती हैं, हीलिंग कैपेबिलिटीज, साथ ही साथ किसी व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इस बात को ये शो करती हैं। तो काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी इनके अंदर और बाकी के माउंट्स के मुकाबले मरकरी जो इनका बहुत डेवलप्ड है। और इनका सबसे ज़्यादा अच्छा जो रहेगा वह है सूर्य और मरकरी, जो इनको काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं बिजनेस में भी और आर्ट की लाइन में भी। तो आगे बढ़ते हुए बाकी के माउंट्स को चेक करते हैं और फिर लाइंस के बारे में जानकारी लेंगे, इनकी लाइंस इनकी क्या क्या बताती हैं। सैटर्न और सूर्य माउंट की बात की जाए तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं, फिंगर्स हाई सेट हैं, ज़्यादा लो सेट फिंगर्स नहीं हैं, तो इनको हम एवरेज ले सकते हैं। लेकिन अगर इनकी लाइंस को देखा जाए तो लाइंस काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी सारे ऑफशूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं इनके हाथ में जो लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ट्रैवल की लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं इनके हैंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लाइंस को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि लाइंस हमें क्या क्या बता। थोड़ा सा क्लोजअप लेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करते हैं इनके हैंड को और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें क्लियरली पता चलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन थोड़ी सी शैलो है लेकिन एक ओवरलैपिंग के अलावा मुझे कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखाई दे रही और सीधे चलते हुए बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है हार्ट की लाइन। और हार्ट की लाइन यह बताती है कि इनका जो नेचर होगा काफ़ी फ्रेंडली होगा, फिंगर से भी यही चीज़ शो हो रही थी और हार्ट की लाइन से भी यही बात देखने को मिल रही है, जो नेचर है काफ़ी फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, बहुत ज़्यादा डीप या नहीं सोचते। लेकिन हार्ट की लाइन से एक स्ट्रेस लाइन मुझे मंगल की तरफ जाती हुई भी दिखाई दे रही है, थोड़ा क्लोजअप लेकर आपको दिखाना चाहूँगा उस लाइन को।
एक बार थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं नीचे की तरफ, इसको मैं ड्रा करता हूँ, अभी आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ यहां से एक लाइन निकलकर प्रॉपर मंगल तक पहुंच रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहां पर ताकि क्लियरिटी हो सके। कुछ यहां से एक लाइन इस तरह से चलती हुई प्रॉपर मंगल एरिया तक जा रही है, जो कि एक मंगल दोष होने के बारे में थोड़ी सी चेतावनी देती है। इनको अपनी कुंडली एक बार जरूर चेक करनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि मांगलिक हो, लेकिन मंगल कुछ ऐसी स्थिति में हो सकता है जो इनको थोड़ा प्रभावित कर सकता है फ्यूचर में। तो इनको थोड़ा सा इस चीज के लिए एक बार मैं चेतावनी देना चाहूंगा, वार्निंग देना चाहूंगा, मंगल की तरफ थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वह एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी की भी लाइफ को कहीं पर भी जाकर अपसेट कर सकता है। बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट होता है मंगल। आगे चेक करते हैं इनकी लाइफ लाइन और माइंड की लाइन को, वो हमें इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए यहां से आप देख सकते हैं माइंड की लाइन जो है वो काफी अच्छी है और काफी शुभ चल रही है और स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन को मैं काफी शुभ मानता हूं, क्योंकि ज्यादा झुकी हुई लाइन हो तो वह हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देती है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन माइंड की लाइन यहाँ बहुत अच्छी है, और आपको दिखाना चाहूंगा कि माइंड की लाइन से एक हल्का सा एक फोर्क भी निकल रहा है जो बड़ा लाइट है, लेकिन यह बिजनेस के लिए काफी शुभ माना जाता है। तो अगर यह मरकरी की तरफ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, वैसे भी इनका मरकरी काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि कहाँ पर मुझे फोक दिखाई दे रहा है, यहाँ से लगभग एक हल्का सा फोक मरकरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन माइंड की लाइन में एक छोटा सा आइलैंड बनता हुआ भी नजर आ रहा है मुझे, पर वो बहुत ही अर्ली एज में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइलैंड की फॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है, जिसको मैं नेगेटिव मानता हूँ। एक आइलैंड है, ऊपर से एक लाइन इनके काटती हुई यहाँ तक पहुँच रही है, स्ट्रेस लाइन। तो ये दोनों ही पॉइंट्स नेगेटिव हैं, जो इनको बिगिनिंग के ईयर्स में, यानी इन दोनों पॉइंट्स के कारण शुरू में लगभग 17 से लेकर 20 की एज तक, बिलो 20 में कहना चाहूँगा, तो बिलो 20 इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम दी होगी इन दोनों ने मिलकर। स्ट्रेस लाइन भी उसी एज में दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ जो आइलैंड है यह भी इसी एज में है, जिसके कारण इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन आगे चलते हुए लाइन काफ़ी अच्छी हो रही है। आगे आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइन की फॉर्मेशन कैसे बन रही है, एक सारा कुछ मिटा रहा हूँ मैं जो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें, फिर देखते हैं और लाइन समय क्या क्या बताती हैं इनकी। यहां तक आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो लाइन है यहां तक हल्की है, लेकिन आगे बड़ी डीप लाइन चल रही है, और डीप लाइन चलते हुए अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ रही है, यानी कि फैमिली की तरफ। एक तो इनका वीनस काफी स्ट्रांग है, वीनस हमें काफी सारी चीजें देता है, काफी यानी वीनस को हम बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं। बेशक वीनस जो है शुक्राचार्य जी वो राक्षसों के गुरु थे, लेकिन वो हैं बहुत ही दयालु और वो हमें बहुत सारी लग्जरीज देते हैं। तो इनके हाथ में जो वीनस है वो मुझे यहाँ पर शुभ दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा जो इनका एरिया है वीनस का काफी उभरा हुआ है, बैलून टाइप फुला हुआ है, तो यह वीनस का एरिया है, काफी इनको लग्जरीज देगा और सारे ऐशो आराम लाइफ में इनको मिलेंगे इसके कारण। और यह चीज कंफर्म इनकी लाइफ लाइन से भी हो रही है, और साथ ही साथ इनके हाथ में जो मुझे और शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उनको भी डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइफ लाइन को डिस्कस करते हैं। लाइफ लाइन का पैटर्न काफी अच्छा चल रहा है, लाइफ लाइन वीनस की तरफ मुड़ रही है और एक लाइन बाहर की तरफ भी चल रही है, जिसके कारण यह काफी सारी यात्राएं करेंगे, घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे, और यात्रा की रेखाएं भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मून की तरफ चलने वाली ये लाइन्स ट्रैवल लाइन्स हैं, घूमना फिरना काफी रहेगा, लेकिन लाइफ के अंतिम वर्ष जो इनके होंगे वो इनकी फैमिली के साथ होंगे, अपनी कंट्री में होंगे। यानी क्योंकि जो लाइन है, अगर यह लाइन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ मुड़ जाती तो व्यक्ति जो होता है वो फॉरन में सेटल हो जाता है, वापस नहीं आता, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। इनकी जो लाइन है वो काफी अंदर तक जा रही है, काफी डीप है, तो यह वापस आकर अपने कंट्री में ही सेटल होंगे, लेकिन घूमने फिरने का काफी शौक होगा इनको, काफी ट्रैवलिंग्स करेंगे अपनी लाइफ में। और जो इनकी लाइफ लाइन में मुझे ऑफशूट्स दिखाई दे रहे हैं काफी शुभ हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। यहां से ऑफशूट्स शुरू हो रहे हैं जिनको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, यहां जहां मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं छोटी, ये सारे इनके हाथ में चलने वाले ऑफशूट्स हैं, और ऐसे ऑफशूट्स जो होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं इतने ज्यादा बनने। नॉर्मली इतने ज्यादा ऑफशूट्स नहीं होते, वो भी अपवर्ड ऑफशूट्स, इनको अपवर्ड ऑफशूट्स कहा जाता है, जो
किसी व्यक्ति को तरक्की देते हैं, जिस जिस एज में इनके ये ऑप्शूट्स दिखाई दे रहे हैं उस एज में इनको तरक्की मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो लगभग 25 की एज के बाद या जॉब 25 के आसपास की एज में जॉब लग जाएंगे, उसके बाद प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है 28 की एज में, 32 की एज में, उसके बाद यह लगभग इनका बनता है 38 और कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 40 और यह जो ऑफशूट बन रहा है जो सूर्य की तरफ चल रहा है जिसको हम सूर्य लाइन भी कह सकते हैं, यह लगभग 50 की एज में शो हो रहा है और इसी तरह से सो ऑन, काफी सारे ऑफशूट्स हैं इनके। तो ये जो मैंने मार्किंग की है यह सारी तरक्की की मार्किंग है, यानी इस एज में यह प्रोग्रेस करेंगे और बहुत ही अच्छी लाइफ रहेगी इनकी और काफी प्रोग्रेस के चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफी पॉजिटिव हैंड है, काफी ट्रैवलिंग है इनके हाथ में। और यहाँ पर एक बार इन सबको मिटा रहा हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा इनके हाथ में बनने वाली सूर्य रेखा किस तरह से बन रही है। अगर सूर्य रेखा को हम अच्छी तरह से चेक करें तो यहाँ सूर्य मोड़ तक पहुंच रही है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन के साथ और एक ऑफशूट आकर इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर यह बताना चाहूंगा काफी लंबी लाइन है सूर्य की जो इनको फेमस करवा सकती है और काफी ज्यादा बेनिफिट दिलवा सकती है ये लाइन। इसी लाइन की वजह से मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये इनके अंदर कोई भी आर्ट की शौक है, इनको आर्ट का कोई भी कला है इनके अंदर, तो उसकी तरफ ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि इनका कोई ना कोई आर्ट इनको फेमस करवा सकता है वर्ल्ड में और काफी ज्यादा तरक्की दिलवाएगा। काफी लंबी लाइन है और इसके साथ साथ ओवरलैपिंग भी हो रही है लाइन में, आप देख सकते हैं यहां तक लाइन बढ़ रही है और दो दो लाइंस चल रही हैं। और इसी तरह फेट की लाइन भी, यह भी एक फेट लाइन की तरह इनको मानते हैं हम, अगर अपोलो तक पहुंच जाए, अपोलो माउंट पर पहुंच जाए या सैटर्न पर पहुंच जाए तो दोनों ही शुभ मानी जाती हैं। तो इनके यहाँ पर मेन जो लाइन है यह अपोलो पर पहुंच रही है और सैटर्न पर भी एक लाइन जा रही है, डबल लाइन है, तो डबल लक कहना चाहूंगा इनके लिए, काफी अच्छा है ये। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से जो एक लाइन चल रही है कुछ इस तरह से और यह भी डबल लक यानी शो कर रही है, तो काफी लकी हैं ये, काफी अच्छी मार्किंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं और एक बड़ा आइलैंड का स्ट्रक्चर फैमिली रिंग के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इनके पास मेल चाइल्ड होने की संभावना ज्यादा रहेगी शादी के बाद, बेबी बॉय से ये ब्लेस्ड होंगे, यहां से ये क्लियरली शो हो रहा है, काफी अच्छा आइलैंड है और यव का चिन्ह इनके हाथ में है यहां पर आप देख सकते हैं, जो काफी अच्छा है, धन वर्षा करवाता है काफी, जिसको हम पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं लाइफ में। तो इनके हाथ में काफी सारी चीजें हमने देखी, काफी सारे ऐसे चिन्ह देखे, काफी पॉजिटिव हैंड मानता हूं इनके हाथ को मैं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे इसमें देखने को मिली। एक बार दोबारा से रीकैप करते हैं क्या क्या हमने इनके हाथ में देखा और उसको एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कौन सी साइंस थे इनके हाथ में जो शुभ थे। उसके बाद अगर फिर भी कोई मार्किंग या कोई ऐसी चीज रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं तो ताकि इनकी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले तो हमने क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर देखा और उसके बाद एक स्क्वायर का चिन्ह मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, यह दूसरा मार्क था। ये फैमिली रिंग के ऊपर एक आइलैंड का चिन्ह जो मेल चाइल्ड होने के यानी पुत्र रत्न प्राप्त होने का एक तरह से चिन्ह है और यहाँ पर एक यव का चिन्ह, सूर्य की काफी अच्छी लाइन इसको हम कह सकते हैं और सैटर्न की लाइन, उसके अलावा यहाँ पर मरकरी का बहुत अच्छा माउंट और मरकरी की खड़ी लाइनें, यह सारे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं यात्रा की रेखाएं काफी अच्छी है, ट्रैवलिंग की लाइंस और बहुत ही अच्छा वीनस माउंट। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इनके हाथ में जिसको यहाँ पर हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।